टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो अपना ब्लॉग मैं कर रही हूँ अभी 1 बजे से स्टार्ट। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द बढ़ गया है। तो कल कम कम था लेकिन आज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पता नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, रात को नींद नहीं आती, तो उसकी वजह से सर में बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। और आज सागर का भी पेपर है तो वो तो सुबह 10 बजे ही चले गया है। और ऐसे ही काम वाम भी किया, चुन्नु मुन्नु को बाहर ही बैठा रखा है। ये अब इन्होंने खा पी लिया, थोड़ा अंदर रख देती हूँ। कब से बैठे हैं सुबह 10 बजे से बाहर। अब अपनी जगह में बैठ जाओ इधर, ठीक है। सर में भी बहुत दर्द बढ़ गई है, जैसे तैसे मैंने काम किया। और नीचे मैं अभी कपड़े डाल के भी आ गई हूँ, तो कपड़े अभी सूखने में टाइम है, तो तब तक मैं देखती हूँ कुछ और काम कर लेती हूँ तब तक। तो गाइज, आज है फूलदेही का त्यौहार और आज पूरे गांव में इसमें बच्चे ना बड़े खुश होते हैं, क्योंकि आज बच्चे थाली लेके पूरे गांव में मार्केट में हर जगह घूमते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे, बचपन में मैं भी जाती थी, सब जाते थे। तो उसमें होता क्या है, ढेली जो होती है ना, जैसे मेन गेट के यहाँ पे होता है, तो वहाँ पे साफ सुथरा करके लिप लाप बेर बढ़िया मैंने चाऊँ और फूल चढ़ूनी। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, थाली लेके फूल लेके हर घर जाते हैं और वहाँ ढेली की पूजा होती है। तो उनको घर वाले कुछ भी देते हैं, जैसे टॉफ़ी हो गई, बिस्किट हो गई, कुछ भी। और इस तरह से हम, मैं भी जो थी जब छोटी थी, मैं भी जाती थी, तो हमारी जो मार्केट एरिया है वहाँ भी हम घूम लेते थे। तो काफ़ी चीज़ें हमें सब लोग देते थे तो हम बहुत खुश होते थे। लेकिन यहाँ दिल्ली में तो कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ त्यौहार का पता ही नहीं चलता। ना दीदी को पता है, ना जीजा जी को पता है, क्या करें। यहाँ त्यौहारों का कोई मतलब नहीं होता, कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं होता है। और दीदी तो सुबह सुबह उठ के ड्यूटी चली गई थी, उसको भी पता नहीं था कि आज फूलदेही का त्यौहार है। तो इस त्यौहार में हमें जो भी चावल मिलते हैं ना, उसके फिर घर जाके मम्मी मीठे मीठे पकवान बनाती है, जैसे चावल के साई बोलते हैं, तो वो सारे पकवान चावल से बनाए जाते हैं, उन्हीं चावलों से जो हमें हर घर से मिलते हैं, तो उन्हीं चावलों से वो पकवान बनाए जाते हैं और फिर सभी उस पकवान को खाते हैं। दीदी सुबह सुबह उठ के ड्यूटी चली गई, उसको भी पता नहीं है आज त्यौहार है करके। एक जीजा जी है, वो जीजा जी को भी पता नहीं है, सब भूल गए, सब किसी को पता नहीं है। मेरे को पता है त्यौहार है करके, ये फूलदेही है करके। कदू जग कबू जग घूमेगू, यो लोगों ने भी पता नहीं ये क्या क्या दे दिया। ये नमकीन के पैकेट, ये अब ये दी जाता है इसमें, ये के नहीं चढ़न को के ना आई जौन जरा है। तो अभी बना रही हूँ दिन के लिए खाना और सर में भी बहुत दर्द हो रही है, तो खाना वाना बनाने के बाद गोली खा लेती हूँ, क्या पता सर में दर्द ठीक हो जाए। तो ये छोले हैं परसों के, मैंने सोचा इसको कढ़ाई में इसमें जीरे ईरे का तड़का लगा के इसी को फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद चावल भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। तो अभी मैं यही जो छोले हैं, छोले फ्राई करने जा रही हूँ। तो छोले में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है क्योंकि थोड़ा पतला पतला अच्छा लगता है। तो गाइस, खाने लग गई हूँ मैं खाना और मैंने थोड़े चावल थे गरम कर लिए हैं, सब्ज़ी भी गरम कर ली है और ये पता नहीं रायता है, चटनी है। दीदी ने परसों रायता भी बनाया था बथुआ का, पता नहीं किसका बनाया था, ये नहीं पता मुझे। तो थोड़ी सी चटनी मैंने कहा इसके लिए साथ हो जाएगी, तो अभी खा ही लेती हूँ खाना और चुन्नू मुन्नू को भी दे दिया दाना। दीदी आ गई और मुझसे कह रही है कि ये सागर के हिस्से का है, इसको मत खाना। अब ये मेरा है, ये मैं कैसे नहीं खाने वाली ठहरी इसको। इसको पी के भी सब शर्मा चढ़ जा रहा है, शर्मा दर्द हो जा रही है के क्या है ये फिज फिज पी के सर में दर्द हो जा रही है, क्या करूं, सब जितना पी रही हूं ऊपर शर्मा चढ़ जा रहा है। ले सागर का भी कच्चा फैन
हट बहन सागर का कच्चा, तू आखिर जून में आ ए सागर छू ले ले मैं नमकीन अब अबू के लगा फिर क्यों कर ली ये खट्टे कैसे हो रहे हैं शिंगार कितना मिल गया बेटे ऐ है छी और नमकीन ने कहा खट्टू होनी नमकीन नमकीन होने भाई खट्टू थोड़ा होने भाई खट्टे होते लग रहे जो पहली बार खा वो तसक हूँ ये तो पहली बार खा पे ये ले पीछा पी ले ले पे एक का ढक्कन जून जा दी नहीं जून ने पी नहीं आती गाली दे दी तूने किशन में पाप छीना पाप बात दी खोदी गाय दी ना मुखा दी बुद्धि फुल पहन क्यों दी उन नमकीन खाड़ो आपो नहीं होना है ख्वा 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 लग रहा है मीजो ना गाय दी ने अगने और क्या धसका कैसे लगा मुझे कि मील मार से पर धसका धसका नहीं कर धसका चाकू के सामने करती है अभी क्या करूँ साकू के सामने क्या करेगा वो मारेगा मुझे हाँ सागर आ गया हाँ अभी पूछूंगी देखना क्या कहेगा कैसा रहा पेपर क्यों सही में पेपर था आज उसका था दिखा तो पेपर पेपर तो एक बार दिखा देना क्यों क्या होता है दिखा दे दिखा दे गाइस को दिखाना चाह रही है कि लाता है कि नहीं लाता है क्या आपने और बच्चों का नहीं दिखा जब टीचर थे अरे मैं अपने स्कूल का जानती हूँ तुम्हारे स्कूल की जानू मी तो सब भाई भाई तो सब भाई होशार किलो भात मशाल ऐसे ही ठहरा ये कह रहा अपने बच्चों से पूछो अब मेरे को एक साल हो गया स्कूल छोड़े हुए मैं अभी कहाँ जाऊँ बच्चों से पूछने के लिए जब पढ़ाती थी तो बच्चे पूछते भी थे मैडम क्या करूँ कैसे करूँ अब अभी कहाँ जाऊँ मैं उन बच्चों से पूछने के लिए ऐसे ही ठहरा क्या पूछूँ इससे अच्छा है चुप ही रहो अपना मुंह बंद रखो बस अभी हम आए हैं नीचे घूमने के लिए और आज हम दोनों ही हैं कोई नहीं है हमारे साथ अकेले अकेले हैं सागर भी आया था पता नहीं कहाँ ही चले गया वो मिला ही नहीं हमको हम दो ही टहल रहे हैं अभी पागलों की तरह बोला और लोग भी हैं सब हैं हमारे साथ कोई नहीं है कल हमें आंटी भी मिल गई थी हाँ। और ऊपर वाले भी मिल गए थे आज वो भी नहीं आए आंटी चली गई पहले ही आज वो कब आए थे जब मैं नीचे आई थी ना 8 बजे तब आए थे वो नहीं आज 8 बजे यहाँ पे दिखी थी मेरे को अच्छा तब आई थी 8:30 बजे जब मैं ऊपर आई तब आई थी वो तो मैं काम भी तो करना था ना ऑफिस से आके मतलब कह रही हूँ वो चले गए थे फिर उसके बाद दिखी नहीं मेरे को जल्दी आके जल्दी चली गई तो हम ही लोग हैं सागर तो घर पे ही है और थोड़ी देर घूम के हम भी जाते हैं अभी बुरी जरूर कुत्ती का नरपट्टो राइट कहाँ ही घर जानू और कहाँ जानू ये रात का तो चल चल मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी तू ऊपर क्या करने वाला ठहरा मैं पहले नहीं घूम के आया था हैं पहले नहीं घूम के आया था तू मुझे मिला क्यों नहीं मैं तो कब से कह रही सागर 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 मम्मी कह रही नीचे गया है तू यहाँ मिल रहा मुझे अभी फोन नहीं कर सकते थे फोन मम्मी आगे जाओ आवाज नहीं आई फोन नहीं करा था आपने नहीं करा नहीं था गाबीर मेरे को लगा आ जाएगा आया ही नहीं यार तू वो आ जाएगा चन्नू मुन्नू को देख तो ये तो गाइस आ गए हैं अभी घूम घाम के ऊपर और अब खाना वाना खाते हैं थकान भी हो गई है घूमने के बाद और चन्नू मुन्नू भी चा 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 करने में लगे हैं फोन तो गिर गया था मेरा अभी गरीब की गुड़ की दही है ये कहीं टूट टाट जाएगी तो फिर ठीक भी नहीं होने वाला मुंह को चेहरे को अच्छा रखना पड़ेगा चुन्नू मुन्नू का बिस्तर यहाँ पे तैयार करके रख दिया है जिया जी ने और ये कैसे बैठे देखो ये चुपचाप बैठे हैं आप सो जाएंगे थोड़ी देर में जैसे हम लाइट बंद करते हैं ना तो इनका भी जो शोर शराबा है बंद हो जाता है और आराम से सो जाते हैं फिर सुबह 10 बजे ही सुनाई देती है इनकी चिया चिया
खाना वाना खा दिया है। यहाँ डाली थी मेथी काट के, वो भी ख़त्म कर दिया है। और इधर इधर ये चल रहा है, ये पागल हो गए दोनों। क्या चल रहा है ये? सागर घुन पड़े घुन पड़े घुन पड़े आज खाने में है रोटी चावल चिकन और आलू मेथी है ना ये चिकन का भी एक टुकड़ा दिया मैंने। मैं इतना भी नहीं खाऊंगी, मैंने मना किया था। पनीर खाऊंगी अब पनीर। साकू के लिए लाए थे ना चिकन, साकू को पसंद है तब। काफी दिन भी हो गए थे, इसने भी नहीं खाया। हाँ, टाइम बहुत हो गया। तो अभी खा रहे हैं हम लोग खाना, मिर्चौरी बहुत है। देख इस तो वो तो नहीं, बहुत खुश है ना रहने। देख ले। हाँ चिकन और मटन, मटन में ना हो भले ही, चिकन और मछली में मिर्च होनी चाहिए तेज, तभी अच्छा आता है ना स्वाद। और यहाँ चल रही है ये इनको ही देखते हैं खाते टाइम। तो मैं भी खा लेती हूँ जल्दी से खाना और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि 10:15 का टाइम हो गया। तो खा लिया, मिर्च इतनी हो रही है ना, आप रे बहुत ज़्यादा मिर्च डाली है, मुझे मिर्च लगी है। अब मैं ढूंढ रही हूँ सौंफ, क्योंकि ये खा के ना थोड़ा मिर्च कम हो जाएगी। अभी आया था और चिकन में थोड़ा मिर्च भी ज़्यादा डाली थी, तो बहुत ज़्यादा मिर्च लग गई है, तो थोड़ा सॉफ्ट ऑफ खा लेती हूँ। थोड़ा इसमें ना जीभ में ज़्यादा ही लग रही है, मिर्च भी तेज़ है। वो दीदी पता नहीं वो कौन सी वाली लेके आई है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। थोड़ा सा भी डालो ना, बहुत तेज़ होती है वो, तो इसलिए मिर्ची से तो आज आंसू आ गए। पे मोमो साको मिर्ची नहीं लगी तुझे? मुझे तो बहुत लगी, पापा को और मेरे को बहुत लगी मिर्ची। वो भी तो रही है सर, कैसे गुजारा है? दोबारा खुजाइए, दोबारा खुजाइए सर। हैं अभी तो हो रही झूठा, वो भात फेंक दिया इसने, खा उसको पूरा, खाना बर्बाद करता है रोज। दिन में भी फेंकना ठहरा, अभी भी फेंकना ठहरा ये। तो गाइस सागर का यही रहता है, अब मेरा बाल है ये मत बोल देना। क्यों आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं? ओ भगवान, खाने में भी आपके बाल निकलते हैं। मम्मी के भी झड़ते हैं, मम्मी से पूछियो पहले। ज्यादातर आपके इधर दिखते कोने कोने में तो आपके होते जो बाल। ये भगवान, इस घर में बस मेरे ही बाल है झड़ने वाले। तुम क्या फैब्रिक क्विक लगा के रखे हो बालों में? तो कितने लंबा है दिखा, बाल दिखा पहले, फिर मैं भी कहूँ चला हाँ मैं मान जाऊंगी मेरा ही है। गाइस अब खा लेती हूँ सौंफ। सागर के साथ भी बहुत लड़ाई हो गई, सागर ने मिर्ची डलवाई थी इसलिए उसको बहुत बोल दिया मैंने। क्या नाक से शिंगाड़ आ गया देखिए मेरे। नहीं मैं नहीं चाटती, चाटा होगा बचपन, ऐसा तो नहीं होता, बच्चों को तो अकल नहीं होती है। मैंने खा लिया सौंफ, मिर्ची हो रही बहुत, मिर्ची कम हो गई है, इतना कर दिया बोतल। ये मेरा वाला ही था ना साकू, तूने अपना वाला खत्म कर दिया था ना। मेरा खा रहे हो आप, पता आपको जमा लो अपना भी। मेरी चीजें ही बची रहती है हमेशा, तू अपनी चीजें खा चुका होता है। हाँ जी जी सही में, और फिर लड़ता है मुझसे। लड़ता हूँ मैं आपसे? उस दिन लड़ा नहीं था पापा के सामने, मम्मी के सामने। अभी मेरी है, कह रहा है मेरी है। ये तो बहुत पुरानी है। पुरानी तो मेरी है, फिर बची हुई है तो मेरी है, इसका मतलब क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ। तू तो लेता नहीं है, फिर मेरी साइड लेता लेता है।
आगे से बोलना मेरे को, सुन ही लेता है मेरी शायरी। गांव जाने पहले की है। हाँ अभी मेरी है ये। हाँ देख पापा बोल रहे गांव जाने की पहले से तेरी रखी है ये। अब इसके लिए भी लड़ाई हो रही मेरी और सागर की। ये लड़ाई करने वाली बातें कर रही है। क्या करूँ, बहुत लड़ाई। किसी को दे देती हूँ खुश हो जाएगा। मेरी मिर्ची वैसे भी ठीक हो गई मीठा खा के, अब सागर को दे देती हूँ उसमें। गए हैं और यहाँ सोने का मन अभी भी नहीं हो रहा सागर का। ये बैठे मैं सो गई हूँ कब के, सो जा जरा। हाँ ये फिर भी फोन लेके सो रहा है तेज, इसको सो जल्दी। मैं सो रही हूँ अब, गुड नाइट बोलने के लिए बोला मैंने। चुन्नू मुन्नू गुड नाइट, सागर गुड नाइट, सबको गुड नाइट। जय जो पार ही रहते हैं। गाइस हो गई है बहुत रात और अब मैं जा रही हूँ सोने। अब और अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और मैं नज़र भी नहीं आ रही होंगी क्योंकि लाइट बंद कर रखी है, खाली टीवी ऑन है। तो कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपसे। तो मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ कल मैं आपसे।